नाजर मोहतरम, एक टीचर जो होते हैं ना, वो एक नेशन बिल्डर होते हैं जो हमारे कौम को बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वही बच्चे कल डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, IPS अफसर बन जाते हैं, KS अफसर बन जाते हैं। बहरहाल अगर आज मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक टीचर की दी हुई देन है, अगर आज कोई IPS अफसर है, IAS अफसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एजुकेटर है, ये भी एक टीचर की दी हुई देन है। क्योंकि जब एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाते हैं, बड़े होकर वही एक बड़ा अफसर बन जाता है। लेकिन आज समझ नहीं आता है कि मैं इस चीज़ को किन लफ्ज में बयान करूँ। एक शर्मनाक वाका जिला श्रीनगर से सामने निकलकर आ चुका है। वहाँ पे एक प्रिंसिपल को मॉलेस्टेशन केस में मुलव्वस पाया गया, जिसके बाद श्रीनगर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको आगाह कराते हैं, एक अफसोसनाक खबर यानी कि एक शर्मनाक खबर से आपको आगाह कराते हैं, जो खबर जिला श्रीनगर से सामने निकल कर आ चुकी है। जिला श्रीनगर की बात करेंगे, आज सुबह से ही जिला श्रीनगर खबर में बना हुआ है। बहरहाल क्या कुछ मामला है आपके साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करेंगे। एक स्कूल प्रिंसिपल को श्रीनगर पुलिस ने मॉलेस्टेशन केस के अंदर जो है वो आज सुबह गिरफ्तार किया हुआ है। अगर हम श्रीनगर पुलिस की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात करेंगे, उसके साथ साथ लीडिंग न्यूज एजेंसीज की बात करेंगे, खासतौर तौर पे अगर हम कश्मीर स्क्रॉल की बात करेंगे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की हुई है। श्रीनगर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई जो है आज सामने निकल आ चुकी है। इस काम को हमें सराहना करना चाहिए, इस काम को लोगों को भी सराहना करना चाहिए। बहरहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर है, एक प्रिंसिपल को मॉलेस्टेशन केस के अंदर श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए हैं, जिसकी शिनाख्त शिविर अहमद मीर बतौर हुई है, जो कि जहरबल श्रीनगर का रहने वाला है, लेकिन एज प्रिंसिपल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोंड हसीबट में, जो कि शॉर्ट टैंक में पढ़ते हैं, वहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन एक ऑडियो क्लिप भी आज सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हुई थी, जिसमें से अपने स्कूल की एक बच्ची से ऐसी नाकाबिल बर्दाश्त हरकत जो है वो सामने निकल आ चुकी है, ऐसी हरकत कर रहे थे कि जो नाकाबिल बर्दाश्त है। बहरहाल उसके खिलाफ FIR भी दर्ज किया है, FIR नंबर 31/2023 अंडर सेक्शन 354D 294 and 506 ऑफ इंडियन पैनल कोड, रजिस्टर्ड एट शॉर्ट टैंक पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन शॉर्ट टैंक में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज किए हुए हैं और लगातार श्रीनगर पुलिस जो है इस केस की तहकीकत भी कर रही है। बहरहाल हम इतना कह सकते हैं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर है और एक अफसोसनाक खबर है और एक शर्मनाक खबर है, जो कि जिला श्रीनगर से सामने निकलकर आ चुकी है। इस बार एक कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक प्रिंसिपल, इससे पहले भी गुरेज वैली से एक ऐसा ही नाकाबिल बर्दाश्त वाका सामने आया था, लेकिन आज एक बार फिर से श्रीनगर ज़िले से एक शर्मनाक वाका सामने निकलकर आ चुका है। एक प्रिंसिपल को श्रीनगर पुलिस ने मॉलेस्टेशन केस के अंदर जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है, उसके खिलाफ FIR भी जो है वो दर्ज किया गया है। यानी कि अगर हम उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक ऑर्डर नामा जो है वो इजरा किया है, जिस ऑर्डर में साफ तौर पे उसको सस्पेंड भी किया हुआ है। बहरहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर है और एक अफसोसनाक खबर है, लगातार आपको और भी अपडेट भी देने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ इस केस के रिगार्डिंग सामने निकल कर आ जाएगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।